capacitance of capacitors connected in series. बहुत लंबा हो गया अननेसेसरी. खैर तो इसमें कैपेसिटर्स हैं, इसका मतलब हमें एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स की बात करनी है. और वो भी कैसे, जब वो सीरीज़ में कनेक्ट है. सबसे पहले ये सीरीज़ का मतलब क्या होता है? सीरीज़ का मतलब है, अगर हम लोग ने पढ़ा है क्लास, इनफैक्ट टेंथ में बहुत लोगों ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते. अब आपके पास R1 है, आपके पास R2 है, आपके पास R3 है, तो यहाँ से जब करंट फ्लो करता है तो करंट का अमाउंट जो इससे फ्लो कर रहा है वही इससे फ्लो कर रहा है वही इससे फ्लो कर रहा है, यानी इसको हम लोग सीरीज, इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक R1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक R2 है, फिर R3 यहाँ से यहाँ को जोड़ दिया गया है. उसी तरीके से अगर आप कैपेसिटर की बात करोगे लाइकवाइज, तुम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास कैपेसिटर, एक कैपेसिटर तो ये है, एक कैपेसिटर ये है C1, जिस तरह से रेजिस्टेंस उस तरह से कैपेसिटेंस. फिर यहाँ पे हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर इससे कनेक्टेड है जैसे उधर दिखाया गया, ये C2. और फिर एक और कैपेसिटर है जो कि ऐसे कनेक्टेड है, C3, बिल्कुल वही चीज़. अब यहाँ पे करंट सेम दिख रहा है कि करंट सेम होता है, तो यहाँ पे हम चार्ज सेम करेंगे, तो यहाँ पे पहले एक लाइन लिख देते हैं, चार्ज क्यू रिमेन्स सेम. आप पढ़ चुके हो गए कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू कुछ भी हो करंट सेम होता है, उसी तरीके से कैपेसिटर की जो भी वैल्यू हो चार्ज रिमेन्स सेम ऑन ऑल कैपेसिटर्स. हाँ, यहाँ पे कुछ और चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग इस तरह से शो करते हैं, यह है अर्थिंग. अर्थिंग होने का मतलब वी आपका ज़ीरो है, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्लस वी, यानी वी है पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज अपने आप को स्टोर अप करता चला जाएगा, और इस चार्ज को हम बोलेंगे यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ वाले चार्ज को बोलेंगे हम लोग माइनस क्यू, फिर यहाँ वाले को हम लोग फिर से बोलेंगे प्लस क्यू. अब माइनस क्यू प्लस क्यू अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा एक सिस्टम हो गया, तो इस पर नेट चार्ज ज़ीरो है. ठीक उस तरीके से यहाँ से फिर अगर आपसे बोला जाए कि पूछा जाए कि हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, तो आप ये कहोगे क्यू है, इस तरह से यहाँ पर कितना है क्यू, यहाँ पर कितना है क्यू. वैसे इंटेंशन क्या है इस टॉपिक पढ़ने का, तो इस इंटेंशन हमारा ये है कि हमें ये पता लगाना है कि या तीन अगर दे रखे हैं C1 C2 C3 तो इनकी जगह इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा. जैसे अब इसके लिए हम लोग को पता, सबको पता है, इनफैक्ट इसके लिए सबको पता है कि यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, आप यही कहते हैं कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब अगर ये V1, V2, V3 है, तो आप यही तो लिखते हो V इज़ इक्वल टू V1, V2, V3 सीरीज़ में होने की वजह से, तो आप यहाँ पर भी वही चीज़ लिखोगे, यहाँ पर भी आप ऐसे लिखोगे V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. भाई V1 इसके अक्रॉस पोटेंशियल, V2 इसके अक्रॉस, और V3 इसके अक्रॉस, नहीं लिख दिया. अब आपस में कुछ रिलेशन, तो उससे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू C1 V1. अब यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो हो रहा है क्यू इज इक्वल टू C × V. तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाएंगे तो क्यू निकल, कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका C1, वोल्टेज हो जाएगा इसका V1.
अब अगर आप इसके लिए इस तरह की इक्वेशन यूज़ करेंगे तो आएगा Q इज इक्वल टू सी टू वी टू, फ़र्क थोड़ी ना है। और तीसरा जो होगा वो होगा Q इज इक्वल टू सी थ्री वी थ्री, आप इसको कह सकते हैं टू वन, आप इसको कह सकते हैं टू टू, आप इसको कह सकते हैं टू थ्री, कुछ नहीं करना है हमको, बारी बारी इनों में से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे V1 की वैल्यू। साथ में एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक ये भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे Q इज इक्वल टू C। अब हमको यहाँ पे लिखना है Q इज इक्वल टू C, मैंने C लिखा। अब ये C को मैं ऐसे ही लिखा रहने दूँगा, ये क्योंकि तीन कैपेसिटर्स की जगह सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटर जब यूज़ करा जाएगा तो उसको कुछ इस तरह से इस सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, V की जगह Q अपॉन C, V1 की जगह Q अपॉन C1, V2 की जगह Q अपॉन C2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन, एक लिटरली एक्सप्रेशन आएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, और लिखना बिल्कुल साफ होगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे Q अपॉन C, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। और हमें ये अब सोचने से कोई रोक नहीं सकता कि अगला एक्सप्रेशन लिखते समय हम ऐसे ऐसे और ऐसे चीज़ों को लिख सकते हैं। तो एक हमारा एक हाइलाइटेड रिज़ल्ट आ गया, जिसे हम लोग कह सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब कुछ लोगों को दिक्कत होती है इसमें भी, तो प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाइड सॉल्यूशन में लिखते समय हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चीज़ें और थोड़ी सी इफेक्टिवली स्ट्रांग हो जाती हैं। और अगर सिर्फ दो लिखे हुए हो तो ये भी लिखा जा सकता है, कुछ इफ़ेक्टिव फॉर्मूले हैं। और कभी कदार आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो तरीके हैं लिखने के। फिलहाल दैट्स फॉर द